नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के जियो पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जनपद आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के बांसगांव में शुक्रवार की शाम ग्राम प्रधान को घर से बुलाकर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद बवाल इस कदर बढ़ा कि गांव से बोंगरिया बाजार तक पहुंच गया, जहां एक बच्चे की एक वाहन से कुचलकर मौत हो गई। उसके बाद आक्रोशित भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ ने पुलिस चौकी के सामने खड़े कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी होने के बाद डीआईजी विजय कुमार, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीएम राजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह मौके पर पहुंचे। करीब 4 घंटे की हिंसा और उपद्रव के बाद पुलिस ने किसी तरह से ग्रामीणों को खदेड़ने के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तरवा थाने के प्रभारी निरीक्षक व रासेपुर बोंगरिया के चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया। वह मृतक परिजनों को 5-5 लाख रुपये व दलित होने के कारण पीएम के बाद 4.25 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया गया है। तरवा थाना क्षेत्र के बांसगांव निवासी सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू 42 वर्ष, पुत्र राम सुख राम, गाँव के प्रधान हैं। परिजनों के मुताबिक मनरेगा के तहत गाँव में ही कुछ दिन पूर्व खुदवाए गए पोखरे को लेकर ग्राम प्रधान का कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। शुक्रवार की शाम लगभग 6-6:30 बजे गांव का ही एक व्यक्ति किसी को भेजकर ग्राम प्रधान को गांव के श्रीकृष्ण पीजी कॉलेज के पीछे स्थित पोखरे पर बुलाया। जब वह पोखरे पर पहुंचे तो हमलावरों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। सरेशाम हुई हत्या से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कथित हमलावरों के घर को घेर लिया। घटना की जानकारी होने पर तरवा थानाध्यक्ष फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। इसी भगदड़ में एक वाहन की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस वाहन से कुचलकर बच्चे की मौत का आरोप लगाते हुए हंगामा और तेज कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने रासेपुर बोंगरिया पुलिस चौकी में तोड़फोड़ करने के साथ ही आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कई वाहनों में आग लगा दी गई। सूचना के बाद डीआईजी विजय कुमार, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीएम राजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह मौके पर दर्जनों थाने की पुलिस की फोर्स के साथ पहुंचे, लेकिन रात के घुप अंधेरे में ग्रामीणों के सामने पुलिस बेबस नजर आई। अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस चौकी रासेपुर बोंगरिया में तोड़फोड़ के साथ आग के हवाले कर दिया। स्थिति गंभीर होने पर मौके पर पीएसी बुलाई गई। देर रात किसी तरह पुलिस और पीएसी ने हालात पर काबू पाया। अधिकारियों ने किसी तरह से परिजनों को किनारे लाकर बातचीत की, जिसके बाद ग्राम प्रधान और बच्चे के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। घटना की जानकारी सीएम के संज्ञान में आने के बाद तरवा थाने के इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी रासेपुर बोंगरिया को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि अभी मृतक परिजनों की तरफ से FIR आनी बाकी है, लेकिन इस घटना में 4 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। पुलिस की 4 टीमें गठित कर संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही हैं। एक बच्चा भगदड़ में मर गया है, जिसकी भी जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। और बच्चे की मौत कैसे हुई, पुलिस पर कुछ लोगों ने पथराव किया व 2 बाइकों को आग के हवाले कर दिया है। इस घटना में लापरवाही प्रतीत होने पर तरवा थाने के थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी रासेपुर बोंगरिया को निलंबित कर दिया गया है। घटना में शामिल जिन 4 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, उनके खिलाफ 25-25 हज़ार का इनाम घोषित कर दिया गया है। इनके खिलाफ गैंगस्टर और NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है। अगले 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि ग्राम प्रधान और बच्चे की मृत्यु पर शासन की तरफ से 5-5 लाख और दोनों दलित समुदाय से जुड़े हैं, इसलिए पोस्टमार्टम के बाद 4.25 लाख रुपये सहायता दी जाएगी। हमको पता नहीं था भैया, हम रास्ता से आवत रहनी, रास्ता से आवत नहीं, उनको माई जो घास काटती रहनी, एक बगल वाली रहनी है, वो अब मार के गई ना, नाम रहना एगो गप्पू कलाई का भोलू, एक के वो पंडित का नाम हम तो भूला, श्रीनिवास कुमार, श्रीवान पंडित, हाँ दुबे, आइए गो गप्पू राना, गप्पू पहले ही यहाँ से निकल गई ना, आइए के वो टमाटर मुस्लिम कलाई का मुस्तफा का लड़का। हाँ अच्छा, तो ये जैसे यहाँ बोलौना कि कैसे कहा, वो हम पीछे हैं और वो आगे, उनका माई घास काटते हैं तो अगवा वो काटते नहीं, वो बगल वाली है, वो दोनों गैलों से आवाज दे कर देना कि तोरे प्रधान के मन मार देने, जो इना बताने कहे बदे मरना है नहीं,
वो अपन भगला गाड़ी लेके हाँ मैंने तो वहाँ जामुन किए थे ना। अच्छा भगला बता रहे थे सर कि जब चौकी फूंक कर जा रहे थे सब ग्रामीण, उसके बाद इधर से जो है नीली रंग की जो है सुमो आई है और यहाँ से 100 मीटर के बाद से वो गाड़ी दबाते हुए एकदम सीढ़ी को तोड़ते हुए एकदम यहाँ बच्चा था उसको चाँपते हुए एकदम दुकान में हला दी गाड़ी। और दुकान में हलाने के बाद यहाँ गाड़ी रुक गई है, उसके बाद बैक करके फिर गाड़ी को निकाल के सीधे लेके गए। लड़का तुरंत मर गया है। हम तो मशीन देखने के लिए आए हैं वहाँ से प्लास्टिक यहाँ से, तो लड़का हाथ दे रहा था उठाने के लिए, बोल नहीं पा रहा था, पेट फट गया था। 12-13 साल का लड़का था। पुलिस की गाड़ी रुकी नहीं है? नहीं, तुरंत बैक करके तुरंत भाग गई। घटना क्या हुई थी यहाँ पे? घटना क्या हुई? पुलिस चौकी यहाँ जो है कि संजय प्रधान है, पप्पू प्रधान बांस गाँव के, उनको गोली मारी गई थी लगभग 5 बजे, उसी वारदात में ये सब लफड़ा हुआ है। उन्हीं के समर्थक आके चौकी फूटे हैं? जी। और गाड़ी भी फूंके हैं? गाड़ी भी फूंक दिए हैं, यहाँ 2-4 बाइक थी उसको फूंके हैं। देखिए FIR आनी बाकी है, लेकिन 4-5 लोगों के नाम पता चले हैं, हमारी 4 टीमें काम कर रही हैं उस पर, वो शीघ्र गिरफ्तार हो जाएंगे जिनके नाम पते आ रहे हैं। लड़का एक्सीडेंट में भगदड़ में लड़के की मौत है, इस बात की भी हम जांच कर रहे हैं कि उस लड़के की मौत कैसे हुई है। आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है पुलिस के ऊपर? हाँ, पुलिस की 2 मोटरसाइकिल, जब पुलिस आ रही थी तो जो पथराव हुआ था तो उसी में 2 मोटरसाइकिलें उन लोगों ने जला दी है। कुछ पुलिसकर्मियों की भी लापरवाही सामने आई है, क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें इंस्पेक्टर को और जो चौकी इंचार्ज है उसको हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं। देखिए कल जो घटना हुई थी उसमें 4 लोग हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, आज जो घटना हुई है इसमें भी देर रात तक हम लोग गिरफ्तारी कर लेंगे और इसमें गैंगस्टर हम लगा रहे हैं, हम NSA की कार्रवाई भी करने जा रहे हैं इसमें। तो इसे कुछ इनाम भी घोषित किया गया है, कौन लोग हैं क्या पता चल पाया है? 25,000 रुपये का इनाम अभी हमने घोषित कर दिया है इनको, कि जो भी इनके बारे में सूचना देगा या बताएगा उसको 25,000 रुपये दिया जाएगा। हमारी 4 टीमें काम कर रही हैं, हमें पूरा यकीन है कि इस रात हम गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए ये एक प्रधान हैं जो कि अनुसूचित जाति के प्रधान थे, उनका आज यहाँ एक हत्या हो गई है और उसमें एक छोटे बच्चे की भी जो है वो एक्सपायर हुए हैं उस घटना पे, और इसको जो है बड़ी गंभीरतापूर्वक इसको लिया गया है और इसमें तत्काल जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये घोषणा हुई है कि इनको जो SC ST Act के अंतर्गत जो इनको जो राहत धनराशि दी जाती है तत्काल, कल पोस्टमार्टम की तत्काल उसकी जो 50% धनराशि रहती है 8.25 लाख रुपए की, वो इनको कल मिल जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्पेशल घोषणा करी है, दोनों मृतक परिवारों को 5-5 लाख रुपए की इनको भी जो है धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा और जो अन्य योजनाएं होती हैं, पारिवारिक लाभ योजना और जो कृषक दुर्घटना बीमा योजना, इसमें जो भी इसमें पात्र मिलेंगे उस पात्रता अनुसार इनको सहायता दी जाएगी, और भी जो हमारे सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं जिसमें भी ये सब पात्र होंगे इनका ध्यान रखा जाएगा और इनको लाभान्वित करा जाएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।